हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार, योर हेल्थ डॉक्टर में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने इस चीज का इस्तेमाल कर लिया तो आपके चर्म रोग, हड्डी के रोग, बवासीर, जोड़ों के दर्द आदि में यह चीज रामबाण का काम करती है। एक बार इस्तेमाल जरूर करके देखें। आइए जानते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है गोंद। गोंद आखिर क्या होती है? किसी पेड़ के तने को चीरा लगाने पर उसमें से जो स्राव निकलता है वह सूखने पर भूरा और कड़ा हो जाता है, उसे गोंद कहा जाता है। यह शीतल और पौष्टिक होता है, उससे उस पेड़ के ही औषधीय गुण भी होते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में गोली या वटी बनाने के लिए भी, पाउडर की बाइंडिंग के लिए गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं इस गोंद के कितने सारे फायदे हो सकते हैं। कीकर या बबूल का गोंद पौष्टिक होता है। दूसरे, नीम का गोंद रक्त की गति बढ़ाने वाला स्फूर्तिदायक पदार्थ है। इसे ईस्ट इंडिया गम भी कहते हैं। इसमें भी नीम के औषधीय गुण होते हैं। तीसरा चीज, हड्डियों की मजबूती करता है। पलाश के गोंद से हड्डियां मजबूत होती हैं। पलाश का 1 से 3 ग्राम गोंद मिश्री युक्त दूध अथवा आंवले के रस के साथ लेने से व्यक्ति की ताकत बढ़ती है। व्यक्ति का शरीर पुष्ट होता है, मजबूत होता है। गर्म पानी में घोल कर पीने से दस्त ठीक हो जाते हैं। चौथी चीज, चर्म रोग में फायदेमंद। आम की गोंद तंबक एवं रक्त प्रसादक है। इस गोंद को गर्म करके फोड़ों पर लगाने से भी पीप पककर बाहर निकल जाती है और आसानी से भर जाता है। आम की गोंद को नींबू के रस में मिलाकर चर्म रोग पर लेप किया जाता है। पांचवी चीज है, श्वेत पर्दर। सेमल का गोंद मोच रस कहलाता है। यह पित्त का शमन करता है। अतिसार में मोच रस चूर्ण 1 से 3 ग्राम को दही के साथ प्रयोग करते हैं। श्वेत पर्दर में इसका चूर्ण समान भाग चीनी मिलाकर प्रयोग करना लाभकारी होता है। दंत व्यंजन में मोच रस का प्रयोग किया जाता है। अगली चीज है, बारिश के मौसम में कबीट के पेड़ की गोंद निकलती है, जो कि गुणवत्ता में बबूल की गोंद के बराबरी होती है। सातवीं चीज, हींग भी एक गोंद है जो फेरूला कुल अबेली फेरी, दूसरा नाम जिसे एपीएसी के नाम से जाना जाता है। इन तीन पौधों की जड़ों से निकलने वाला यह सुगंधित गोंद रेजिन नुमा होता है। फेरूला फूल में ही गाजर भी आती है। हींग 2 किस्म की होती है, एक पानी में घुलनशील होती है जबकि दूसरी तेल में। किसान पौधे के आसपास की मिट्टी हटाकर उसमें मोटी गाजर नुमा जड़ के ऊपर हिस्से में एक चीरा लगा देते हैं। इस चीरे लगे स्थान से अगले करीब 3 महीने तक एक दूधिया रेजिन निकलता रहता है। इस अवधि में लाभदायक किलोग्राम रेजिन निकलता है। हवा के संपर्क में आकर यह सख्त हो जाता है, हैकदही पड़ने लगता है। यदि सिंचाई की नाली में हींग की एक थैली रख दी जाए तो खेतों में सब्जियों की अच्छी वृद्धि होती है और वे संक्रमण मुक्त रहती है। पानी में हींग मिलाने से इल्लियों का सफाया हो जाता है और इससे पौधों की वृद्धि भी बढ़ जाती है। आठवां फायदा है, जोड़ों के दर्द में। गुग्गल एवं बहुवर्षीय झाड़ी नुमा वृक्ष है जिसके तने व शाखाओं से गोंद निकलता है, जो सगंध गाढ़ा तथा अनेक वर्ण वाला होता है। वह जोड़ों के दर्द के निवारण और धूप अगरबत्ती आदि में इस्तेमाल किया जाता है। नौवां फायदा, किरणों से बचाव। प्रोपोलिस यह पौधों द्वारा स्वादिष्ट गोंद है जो मधुमक्खी पौधों से इकट्ठा करती है। इसका उपयोग डेंडा शैम्पू बनाने में तथा पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए भी किया जाता है। दसवां फायदा, व्यंजन। ग्वार फली के बीज में ग्लैक्टोमेनन नामक गोंद होता है। ग्वार से प्राप्त गम का उपयोग दूध से बने पदार्थों जैसे आइसक्रीम, पनीर आदि में किया जाता है। इसके साथ ही अन्य कई व्यंजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ग्वार के बीज से बनाया जाने वाला पेस्ट भोजन, औषधीय उपयोग के साथ ही अनेक उद्योगों में भी काम आता है। इसका 11वां फायदा, इसके अलावा सहजन, बेर, पीपल, अर्जुन आदि पेड़ों के गोंद में भी औषधीय गुण मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बवासीर के लिए भी रामबाण है। बबूल का गोंद कहरावा समय और गेरू 10-10 ग्राम लेकर पीस कर चूर्ण बना ले। इसके 1 से 2 ग्राम चूर्ण को गाय के दूध की 6
छाछ यानी मट्ठा में मिलाकर 2 से 3 सप्ताह तक पिए। यह बादी बवासीर और खूनी बवासीर दोनों रोगों में बेहद लाभकारी होती है। इसका सेवन आपको कैसे करना है, इसकी मात्रा क्या है? इसकी मात्रा 6 ग्राम के लगभग होनी चाहिए। जब भी आप सेवन करें 6 ग्राम से ज़्यादा इसका सेवन ना करें। इसका एक नुकसान भी होता है, इसके अधिक मात्रा में सेवन यदि आप कर लेते हैं तो ये पचने में भारी होता है, इसलिए आप इसका सेवन लिमिटेड करें। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि गोंद के क्या क्या फायदे होते हैं, यह कैसे जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, साथ ही चर्म रोग और बवासीर तक की बीमारी को ठीक कर देता है। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।